गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन. गुड मॉर्निंग टीचर. आज हम समय देखना सीखेंगे और समय को अंग्रेजी में किस प्रकार बताया जाता है. जैसे हम हिंदी में बताते हैं 8 बजे, 9 बजे, 11 बजे, उसी प्रकार अंग्रेजी में समय को किस प्रकार बताया जाता है. अंग्रेजी में समय के आगे ओ क्लॉक लगाकर बोला जाता है. जैसा कि आप देखेंगे पहले एग्जांपल में आप देख सकते हैं यहाँ पर गुड मॉर्निंग इट्स 6 o'clock. जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस घड़ी में छोटा कांटा जो है 6 पर है और बड़ा कांटा 12 पर है. तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अभी समय कितना हो रहा है, 6 बज रहे हैं और 6 बजने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, 6 o'clock. ठीक है, तो इस प्रकार आगे हम देखेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे कि सामने जो घड़ी बनी है उसमें कितने बज रहे हैं. लेकिन हिंदी में नहीं लिखेंगे, उसको हम अंग्रेजी में लिखेंगे, अंग्रेजी में बताएंगे. ठीक है, बताएंगे आप. देखिए, आई गो टू स्कूल एट, मैं स्कूल जाता हूँ. आप कितने बजे स्कूल जाते हैं घड़ी में देखेंगे. और राम आप बताइए कितने बज रहे हैं घड़ी में. 10 o'clock. वेरी गुड, इट्स 10 o'clock. क्लॉक. ओके, अब आगे मोनिका बताएगी. मोनिका, आई कम बैक होम एट, मैं वापस घर स्कूल से आती हूँ. कब आते हैं स्कूल से आप घड़ी में देखिए. 4 o'clock. फिर से बताइए. 4 o'clock. वेरी गुड, जैसा हम देख पा रहे हैं छोटा कांटा 4 पर है, बड़ा कांटा 12 पर है, अर्थात 4 बज रहे हैं. तो इसको अंग्रेजी में हम कहेंगे 4 o'clock. क्या कहेंगे? 4 o'clock. वेरी गुड. अगला दीपक बताएंगे. दीपक देखिए आप, आई गो टू द प्ले ग्राउंड एट, आप खेल के मैदान पर खेलने के लिए कब जाते हैं. घड़ी भी देखिए क्या बज रहा है घड़ी में. 5 o'clock. वेरी गुड, जैसा हम देख पा रहे हैं छोटा कांटा 5 पर है और बड़ा कांटा 12 पर है, अर्थात 5 बज रहे हैं. तो हम इसको लिखेंगे 5 o'clock. क्या लिखेंगे? कितने बजे हैं? 5 o'clock. वेरी गुड. अब ये पूर्तिका बताएंगी. आई गो टू बेड एट, मैं सोने के लिए जाती हूँ. कितने बजे सोने के लिए जाते हैं आप घड़ी में देखिए यहाँ पर क्या बता रही. 10 o'clock. फिर से बताइए. 10 o'clock. वेरी गुड, 10 o'clock, क्योंकि छोटा कांटा 10 पर है और बड़ा कांटा 12 पर है. और अंग्रेजी में हम इस समय को बताएंगे 10 o'clock. क्या बताएंगे? 10 o'clock. वेरी गुड, थैंक यू.